नूह के साकरस और बोड़ी कोठी रोड पर हादसा हो गया। अपनी मोटरसाइकिल के पास सड़क के किनारे खड़े दो नाबालिग लड़कों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे लड़के को माड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी जमशेद खान ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को भी बरामद किया जाएगा। शरीर सागरस के और बोड़ी कोठी रोड पर सागरस के नजदीक हुआ है, जो मुकदमा दर्ज कर दिया है, कार्रवाई कर रहे हैं। इसका परिवार वाले जो अतीक अहमद है, इसका चाचा मोहम्मद शाद का, वो खेतों में काम कर रहा था, तो वहाँ पर बाइक रोड के बरम पर खड़ी करी थी। वहाँ ये दोनों लड़के आकर, मोहम्मद शाद और शहवान, दोनों लड़के वहाँ आकर मोटरसाइकिल के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। जो सागरस की तरफ से एक ट्रैक्टर आया, मेट्रोली महिंद्रा लाल रंग का, जिस पर नंबर नहीं थे, जो आया उसने टक्कर मार दी, जो शहवान की मौके पर ही मौत हो गई और जो शाद मोहम्मद को प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल लाया गया, जो इसके दौरान इलाज मौत हो गई थी। सर मुकदमा दर्ज कर दिया है सर, पोस्टमार्टम करा रहा हूँ और जल्द से जल्द आरोपी ट्रैक्टर का पता लगा कर कार्रवाई। गांव के पूर्व सरपंच फजलुद्दीन बेसर ने बताया कि दोनों नाबालिग युवाओं की मौत होने से गांव में सन्नाटा छा गया है और गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। ये खूनी रोड पर नहीं हुआ था, बल्कि साकरस और बोड़ी कोठी के बीच में हुआ था, और ये दोनों लड़के जो है बर्म पर साइड में खड़े थे। ये इनका जो चाचा जो अतीक है, उनका खेत था, उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो खेतों में काम कर रहा था। ये दोनों को दोनों वहीं खड़े थे। एकदम पे साकरस की तरफ से तेज़ी से दौड़ता वो ट्रैक्टर आया, गफलत से चलता हुआ, और सीधा इनको जो खड़े खड़े इनको साइड में, जबकि बर्म पर खड़े थे, वो सीधा इनको एक्सीडेंट कर दिया। एक की मौके पर मौत हो गई, सारून की, और साथ की जो बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में मौत वाले हैं। एक की 16 साल के लगभग उम्र थी, एक की 17 साल। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक को कब तक पकड़ पाती है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। नूह के साकरस और बोड़ी कोठी रोड पर हादसा हो गया। अपनी मोटरसाइकिल के पास सड़क के किनारे खड़े दो नाबालिग लड़कों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे लड़के को माड़ी खेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी जमशेद खान ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को भी बरामद किया जाएगा। शरीर सागरस के और बोड़ी कोठी रोड पर सागरस के नजदीक हुआ है, जो मुकदमा दर्ज कर दिया है, कार्रवाई कर रहे हैं। इसका परिवार वाले जो अतीक अहमद है, इसका चाचा मोहम्मद शाद का, वो खेतों में काम कर रहा था, तो वहाँ पे बाइक रोड के बरम पर खड़ी करी थी। वहाँ ये दोनों लड़के आकर, मोहम्मद शाद और शहवान, दोनों लड़के वहाँ आकर मोटरसाइकिल के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। जो सागरस की तरफ से एक ट्रैक्टर आया, मेट्रोली महिंद्रा लाल रंग का, जिस पर नंबर नहीं थे, जो आया उसने टक्कर मार दी, जो शहवान की मौके पर ही मौत हो गई, और जो शाद मोहम्मद को प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल लाया गया, जो इसके दौरान इलाज मौत हो गई थी। सर मुकदमा दर्ज कर दिया है सर, पोस्टमार्टम करा रहा हूँ, और जल्द से जल्द आरोपी ट्रैक्टर का पता लगा कर कार्रवाई। गांव के पूर्व सरपंच फजलुद्दीन बेसर ने बताया कि दोनों नाबालिग युवाओं की मौत होने से गांव में सन्नाटा छा गया है और गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। ये खूनी रोड पर नहीं हुआ था, बल्कि साकरस और बोड़ी कोठी के बीच में हुआ था, और ये दोनों लड़के जो है बर्म पर साइड में खड़े थे। ये इनका जो चाचा जो अतीक है, उनका खेत था, उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो खेतों में काम कर रहा था। ये दोनों को दोनों वहीं खड़े थे। एकदम पे साकरस की तरफ से तेज़ी से दौड़ता वो ट्रैक्टर आया, गफलत से चलता हुआ, और सीधा इनको जो खड़े खड़े इनको साइड में, जबकि बर्म पर खड़े थे, वो सीधा इनको एक्सीडेंट कर दिया। एक की मौके पर मौत हो गई, सारून की, और साथ की जो बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में मौत वाले हैं। एक की 16 साल के लगभग उम्र थी, एक की 17 साल। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक को कब तक पकड़ पाती है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।